बहुत लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से कृतिका सिंगर टीवी इंडस्ट्री में वापसी कर सकती हैं, इस तरह से बातें सामने आई हैं। जी हाँ, बता दें बीते कुछ टाइम पहले खबरें ये भी सामने आई थी कि कृतिका वापसी करने के लिए तैयार हैं, यानी कि कमबैक करने वाली हैं, जो कि स्टार भारत पर उनका एक नया शो होने वाला है, जो कि वो नज़र आने वाली हैं। अभी तक का एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाला है शो, एक नए कैरेक्टर में नज़र आने वाली हैं, पर उस शो को डिले किया गया है या क्या रहा है वो तो आपको देखने को मिला नहीं है। लेकिन बता दें कृतिका सिंगर वाकई में अब कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सो देखना यह है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा जो कृतिका सिंगर साइन करने वाली हैं। वैसे तो कसम तेरे प्यार की शो के सीज़न 2 को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा देखी जा रही है फैंस के बीच में, और उम्मीद भी यही करी जा रही है कि कृतिका बहुत जल्द आपको कसम तेरे प्यार की सीज़न 3 में, यानी कि नए सीज़न में तनुजा के कैरेक्टर में देखने को मिल सकती हैं। शरद मल्होत्रा की बात करें, जो कि ऋषि के कैरेक्टर में नज़र आए थे, तो वो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई किसी प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उम्मीद यही करी जा रही है कि शरद मल्होत्रा और कृतिका सेंगर दोनों आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। अभी देखना ये है कि ये एकता कपूर का शो रहा है, बालाजी टेल फिल्म्स का शो है, तो वो जब भी अपने शो का सीज़न 2 लेकर आती हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर स्टारकास्ट चेंज ही होती है, भले ही सीज़न 1 ने कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो। तो यहाँ पर भी चांसेस यही हैं कि सीज़न 2 में स्टारकास्ट चेंज हो जाएगी, ऐसे हाईली चांसेस हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ पर टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आने वाली हैं एकता कपूर। वैसे तो फैंस के बीच में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, और फैंस की जो डिमांड चल रही है शो के सीज़न 2 को लेकर, यानी कसम शो का सीज़न 2 लोग इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर शरद और कृतिका को लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि आपको कसम सीज़न 2 में नई स्टोरी, नई स्टार कास्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप उनकी स्ट्रेटजी जानते होंगे एकता कपूर की। सो चांसेस यही हैं कि इनकी जो दो बेटियां दिखाई गई थी उसके ऊपर आगे की स्टोरी बेस्ड हो सकती है। अब देखना यह है क्या सच में उनके बेटियों पर जो आगे की स्टोरी जाएगी, क्या वहाँ पर जो नए चेहरे हैं वही देखने को मिलेंगे, या फिर कृतिका को ही उनकी बेटी बना के बड़ी बेटी के रूप में पेश करते हैं। यहाँ पर मेकर्स बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है करना चाहे तो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। एक्साइटमेंट कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।